आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जबलपुर के सर्वोदय हॉस्पिटल में एक मरीज अपना इलाज कराने पहुंचा था, जिसका हाथ थ्रेशर में कट गया था, जिसके बाद इलाज के लिए वो सर्वोदय हॉस्पिटल में आया था। हॉस्पिटल में दो तीन दिन इलाज कराने के बाद परिजनों द्वारा 15,000 की राशि अस्पताल में जमा की थी। उसके बाद कुछ बीजेपी नेताओं द्वारा हंगामा करने के बाद अस्पताल के द्वारा 80,000 रूपये परिजनों को दे दिए गए थे, पर बीच में जो बिचौलिए थे उनके द्वारा परिजनों को 17,000 रूपये देने के बाद बाकी बचा पैसा परिजनों को नहीं दिया गया। वहीं मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि लगातार राजनीतिक दबाव के चलते अस्पताल प्रबंधन परेशान हो चुका है। वहीं परिजनों को उनकी राशि संबंधित थाने में वापस कर दी गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने परिजनों के पैसे को हड़प कर लिया है और राजनीतिक पार्टियों द्वारा अस्पताल प्रबंधन को बार बार फोन लगाकर परेशान किया जा रहा है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को उनकी राशि वापस कर दी है। मैं चंद्र प्रकाश कुशवाहा सर्वोदय हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट में हूँ और मेरे यहाँ 3 तारीख को एक पेशेंट आया रहा जिसका क्रेशर में हाथ बुरी तरीके से कट गया था। उसकी हाथ की स्थिति देखते हुए डॉक्टर ने उसको समझाया। उसके परिजनों ने बोला जी साहब इसमें पैसा कितना लगेगा, तो बताया उनको 70,000 रुपये में ठेका होगा। तो उनने बोला जी ठीक है साहब 80,000 में बात हुई थी, उनने 70 ले लो। उनने ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद 2 दिन भर्ती रहने के बाद वो मरीज के जो परिजन हैं और मरीज के साथ वाले मरीज को लेके भाग गए और फिर उनको हम वापस हमारे अस्पताल के जो सुपरवाइज़र हैं कर्मचारी हैं उन लोग लेके आए, बुला के वो आए। तो उन्होंने कुछ नेताओं के जवाब में, बीजेपी नेताओं के जवाब में है ना, उसमें उन्होंने बोला ओमती थाने में उनने ले गए उनको, उनके परिजन को झूठ मूठ का मतलब ये कराना वो कराना। हमारे यहाँ वीडियो फुटेज है, आप चेक कर लें, सब कुछ चेक कर लें। उसके बाद हम गए वहाँ पे तो हमें हमारा बयान नहीं लिया गया। और दूसरी चीज़ ये हुई जे ये नेताओं के दबाव में जब भाई उनकी स्थिति ख़राब है तो हमारे अस्पताल प्रबंधक ने उनको 80,000 रुपये दिया उनके हाथ में, थाने के बाहर दिया है और ये नेता लोग के सामने दिया गया है, उनके दवाओं में दिया गया। और ये हमारे अस्पताल की जो छवि ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ये बिचौलिया लोग, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें और इस कोविड के समय में हम लोग सेवा दें अथवा ना दें। और दूसरी चीज़ ये है, आज मेरे पास फिर फ़ोन आया पथरिया विधायक राम भाई का, उन्होंने बोला जी हमारे ये जो हमारे एरिया के हैं वोटर हैं हमारे, इनको आपने 20,000 दिए थे उसमें से भी 3,000 ले लिया गया, 17,000। तो जो बिचौलिए थे ये उन्होंने किया है, प्रशासन इसमें हमारी मदद करे। और नहीं तो हम खूब मानसिक पीड़ित हैं, अपने दिमाग से बहुत थक चुके हैं और हार्ट पेशेंट भी हैं, अगर कुछ हो जाता है तो इसमें ये बिचौलियों नेताओं का हाथ रहेगा। क्या नाम है और ये कहाँ से आए थे? ये नाम मेरे को नहीं मालूम और ये कहाँ से आ गए ये भी नहीं मालूम। और मेरी उंगली भी तोड़ दी उनने, दांत से काट के देखिए नीला पड़ा है, ये उंगली मेरी फ्रैक्चर है। उसके बाद ही मेरा कोई भी मुआवजा कुछ नहीं कराया गया। पेशेंट थे जो, क्या नाम की जानकारी? पेशेंट नरेंद्र अहिरवार था जी, पेशेंट नरेंद्र अहिरवार था जी। अब एक बात बताएं, प्रशासन से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी फुल सहयोग करें और हमारे अस्पताल की जो छवि खराब की जा रही है इसको बंद किया जाए। FIR वगैरह आप लोग दर्ज कराइए कराएंगे? हमने FIR के लिए बोला था जी आपको जैसी FIR लगे करिए, हम भी कर रहे हैं। तो नेताओं ने बोला नहीं आपसे समझौता कर रहे हैं, तो उनने समझौते करके लिख के दिया हमें थाने में, थाने वाले के सामने, और बाहर आके उनने पैसा लिया दबाव बना के। और हमने कितनी मुश्किल से हमने मतलब दिया है पैसा वो हमारी आत्मा ही जानती है। 20,000 रुपये महीना कमाने वाला 80,000 रुपये कहाँ से दिया? हमको खूब डरा दिया गया था, धमका दिया गया था, ये ST एक्ट लगा देंगे, ये लगा देंगे, वो लगा देंगे। आप उसकी हाथ की स्थिति देखेंगे तो शहर का कोई भी डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा सकता है। उसकी फ़ोटो है, फुटेज है, घर वालों के कंसल्ट है, घर वालों के कहने पे ही ये काम किया गया। लगता है जो बीच में थे उनके द्वारा पैसा खा लिया? ये 100% जो बीच में रहे वो पैसा खा लिए हैं। तब तो वहाँ से राम भाई जो विधायक है उनका फ़ोन आया मेरे पास। आपके द्वारा किसको पैसा दिए गए थे? हमारे द्वारा वहाँ पे मरीज़ के परिजन थे उनके हाथ में पकड़ा दिया गया था पैसा जी सामने। तो आप क्या चाहते हैं जो अस्पताल की छवि धूमिल करने के लिए सब चीज़ें? हाँ, इसको आप मतलब थोड़ा सा हमारी देखिए अस्पताल की धूमी ख़राब ना हो।